आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज हम चाइना की। क्या बात है, चाइना जिसका अभी हमने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के हाईएस्ट पीक का नाम दलाई लामा पे रख दिया है। तो तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मजा है, ऐसा काम करते रहना चाहिए मेरे ख्याल में। भारत को बहुत मजा आता है जब ये लोग जो है ना ये चढ़ते हैं, है ना। वैसे तो इनका मुंह ही ऐसे छोड़ो यार लेकिन वही है कि चाइना, वैसे आपको बता दूं कि एक बहुत ज़बरदस्त देश है। अगर आप वहाँ के लोग भी भारतीय इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है, पूरे इंडिया वीज़ा की, इंडिया पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट हो ना हो, बट इंडियंस की पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट है। और चाइना में भी जब आप जाएंगे ना तो बड़े बहुत बढ़िया लोग हैं वहाँ के, है ना, ऐसे लोग कहीं के ख़राब नहीं होते, ठीक है, तो बढ़िया है। मैं एक ब्लॉग देख रहा था तो उसमें ईरान के तो क्या मेहमान नवाजी है वहाँ की। एक मैं देख रहा था तो उसमें बता रहा था कि सीरिया में मतलब एक इंडियन टूरिस्ट गया था तो पैसे मांगे, छोटा सा तो नहीं, मतलब शायद 14-15 साल का बच्चा, उसने पैसे नहीं लिए क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। तो जो भी हो हमारी गलत धारणा है, पर एक्चुअल में देश बढ़िया है, लेकिन लीडर्स क्या क्या किया जाए, ये तो बढ़िया है नहीं, इनको तो चाहिए जमीन। तो वही है, और आपको चाहिए ये कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन जो कि कल से शुरू हो चुका है। तो लो, 280 रुपये का है, संडे संडे क्लास है, पहली क्लास कल हुई थी, पब्लिक थी, और आप बदल जाओगे, बस ये हमारा वादा है आपसे। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि किस तरीके से अपने आप को बदलना है। बाकी चाइना जो है वो रुक ही नहीं रहा है, अब तो जाड़ा आने वाला है, क्या बात है, सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, तो ठंडी आने वाली है अक्टूबर से जो है। अब देख रहे हो ना 6 बजे अंधेरा हो जाता है, मज़ा आ गई यार कल। कल लखनऊ में हनुमान सेतु है, जाता रहता हूँ मैं हर हफ्ते, तो वहाँ पर मैं गया, फिर देखा मैंने, ओहो 6 बजे तो अंधेरा हो गया, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि ठंड ने दस्तक दे दी। और बता दूं वैसे कि ठंड इस बार तगड़ी पड़ने वाली है, तो तैयार हो जाओ, रजाई जाई सिलवा लो, बढ़िया रुई हुई डलवा लो। तो फिलहाल ये ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना के साथ, यही बोला है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि चाइना जो कर रहा है वो करता रहेगा, तो भूल जाओ चाइना बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। जाहिर सी बात है यार, 1950 में जब भारत हिंदी चीनी भाई बाय, नहीं हिंदी चीनी बाय बाय, तो चाइना तो बहुत ही बढ़िया, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बोला, रहे ले ला यार परमानेंट मेंबरशिप, क्या ही फर्क पड़ता है, चाइना को दे दो। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमको परमानेंट मेंबरशिप कभी मिली नहीं थी। और वैसे भी आपको बता दूं कि चाइना परमानेंट मेंबर नहीं था, ताइवान परमानेंट मेंबर था, असली चाइना तो वो है, ठीक है, बट बाद में फिर चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया। तो फिर उस समय भी बहुत भरोसा किया था हमने, बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, है ना। लेकिन वही है कि अच्छा सिला तिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, तो चाइना में ही शायद ये गाना बना होगा। तो चाइना ने फिर हमला कर दिया 1962 में। तो आप बिल्कुल भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये हमको इतिहास ने सिखाया है, ये भरोसे लायक है ही नहीं, डेंजरस लोग हैं भाई, धोखा देते हैं पीछे से। तो अभी यही है कि ईस्टर्न लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हालांकि सिक्किम में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो देखिए टोटल लगभग 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, है ना, इसमें आपका ईस्टर्न अरुणाचल, वेस्टर्न, इधर वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट में प्रॉब्लम, मिडिल सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं, बट हाँ उधर वेस्टर्न फ्रंट में प्रॉब्लम, वहाँ पे अभी तक मामला सुलटा नहीं है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हालांकि अरुणाचल प्रदेश स्टेबल है काफ़ी, दिक्कत वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ एक कहते हैं ना कि एक अजीब तरीके की युद्ध चलता है, शब्दों के बाण चलते हैं, ठीक है। कभी मैप चाइना रिलीज कर देता है फालतू का, कभी बहुत सारे मैंने लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, चाइना इंडिया चाइना जो पूरा बाउंड्री विवाद है वो आप देख लीजिएगा। तो अभी क्या है कि फिलहाल तो ये बोला गया था पिछले महीने कि हम डिफरेंस कम कर रहे हैं, ये चाइना और भारत की तरफ से अच्छा बयान था कि हम चाहते हैं कि अपने डिफरेंस को नैरो करें, बट हो नहीं रहा है, टॉक्स जो है वो लगातार फेल हो रही है। क्योंकि देखिए ये लाइन आप याद कर लीजिए कि ट्रस्ट डेफिसिट ऑन द ग्राउंड हमको देखने को मिल रहा है, हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, वो बोलेगा कुछ करेगा कुछ, कथनी करनी में फर्क है। क्योंकि अगर आप इतनी बातें बोल रहे हो, बातें छोंक रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको आर्मी को हटाना पड़ेगा, बट आप आर्मी तो हटा नहीं रहे हो, आप आर्मी और लगाते जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जा रहे हो, और मिलिट्री पोजीशन स्ट्रांग करते जा रहे हो, परमानेंट डिफेंस बनाते जा रहे हो। अरुणाचल प्रदेश उधर साइड पे आपने पूरे गांव के गांव बना दिए हैं, ठीक है ना, रोड्स बना दी है आप, तभी तो भारत को फिर उस हिसाब से डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, भारत के पास और कोई चारा नहीं है, भारत को करना ही पड़ेगा। भारत भी ओल्डी बेग रोड बना रहा है, भारत भी एयर डिफेंस बना रहा है, भारत भी सेला पास बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश को बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहा है, वेस्टर्न सेक्टर को, तो क्या ही अब अभी विंटर आ जाएंगे, अब विंटर आएंगे तो ये मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे,
फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट चाइना लगातार करता जा रहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ही बोला है, ठीक है। और हमको यह भी पता है कि ऑपरेशनल सिचुएशन क्या है अभी गैंगटॉक में, अक्टूबर 9-10 को क्या होगी, वहां पर रिव्यू करेंगे वो। यानी कि एक तरीके से भारत इंडिया इज फुली रेडी, और इंडिया भी अपने डिफेंसेस बढ़ा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इतना डिफेंस क्यों बढ़ा, मतलब एक तरीके से क्यों अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर रखेगा, दो कारण है। पहली बात, चाइना पेटा, आप वही है ना कि हम अपनी गलती से सीख गए, दोबारा ऐसी गलती होगी नहीं। दूसरा, युद्ध करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ युद्ध करना है, और उसी हिसाब से भारत जवाब भी दे रहा है। लेकिन अब देखिए, हमने क्या जमीन अपनी खोई है, जैसे सोनम वांगचुक या सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, ऑफिशियली भारत कहता नहीं खोई है, लेकिन आई ऑल्सो हाईली डाउट दैट कि कुछ तो गड़बड़ है ना, क्योंकि जहां तक हम जा पा रहे थे, हमारी आर्मी जा पा रही थी, वहां तक हम नहीं जा पा रहे, और इसी पे ही बातचीत चलेगी, सिचुएशन को डिफ्यूज करिए। तो डिप्लोमैटिक बायलेटरल पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक टॉक्स तो हो रही है ना, पिछले महीने भाई ये शुरू हो चुकी है, मतलब फरवरी से लेकर अभी तक लगातार बात हो ही रही है। 30 और 31 मीटिंग जो है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, 31 जुलाई और 29 अगस्त को ही थी। तो 29 अगस्त को जो बयान है तो बढ़िया आया था, है ना, महीने महीने तो एक बार मिल ही लेते हैं चाइना और भारत के लोग, बढ़िया आया था, बोला था कि हम अपने डिफेंसेस को नैरो करेंगे। उस समय अजीत डोभाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही मिले थे, ब्रिक्स समिट भी थी सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे भी। तो उस समय तो यही था कि चीजें ठीक करेंगे हम लोग, अपने जो डिफरेंसेस है वो नैरो करेंगे, बट हो नहीं पा रहा है। अब आपको बता दो कि भारत और चाइना का $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है भारत का चाइना के साथ, हालांकि हमने काफी डेवलपमेंट की है। अमेरिका ने भी अभी, जैसे अमेरिका ने क्या किया ना कि अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर, चाइना को हर तरफ से मार पड़ रही है। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सोलर पे टैरिफ लगा दिया 100%, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे तो 100% टैक्स लगा दिया है। और भारत ने भी, भारत ने 30 इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है, जो एंटी डंपिंग, जो सोलर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब चाइना में मेड इन चाइना सबसे सस्ता है, बल्क में बनता है, भाई भेज दो पूरे दूसरे देश में, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन दूसरा देश देखेगा ना, मार्केट तो नहीं खराब हो रही है, तो मार्केट खराब होगी तो फिर लगाओ टैक्स। तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे एंटी डंपिंग टैक्स लगाए हुए हैं, और 30 जगह तो इन्वेस्टिगेशन करके रखी हुई है भारत ने। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है, और भारत अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे लगातार कम करता जा रहा है, क्योंकि अभी भी हम डिपेंडेंट हैं। आप ये भूल जाइए कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं, हम बहुत कुछ चाइना से मंगाते हैं, हम बहुत कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज है। अब मिलिट्री की अगर बात करते हैं, तो जैसे अभी चाइना की सबमरीन डूबी, बहुत सबने बात की, कल हमने भी उसको कवर किया था, ठीक है ना। फरवरी से लेकर अभी तक लगातार चाइना जो है वो बात करता है भारत से। चाइना कह रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दौलत बेग ओल्डी रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, काराकोरम पास इंपॉर्टेंट जंक्शन है, और देपसांग प्लेन ये स्ट्रेटेजिक जंक्शन है, चार्डिंग निंगलुंग नाला ये भी जंक्शन है डेमचौक के पास, आप यहां से डिसंगेज करिए। भारत भी यही कहता है कि डिसंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यह फर्स्ट स्टेप है, आप अपनी सेना हटाइए, क्योंकि हम जहां तक जा पा रहे थे वहां तक तो जा नहीं पा रहे हैं। और डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप तभी तो होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा, लेकिन यह हो नहीं रहा है। चाइना अपना पीछे हट रहा है, और भारत तो क्यों ही हटेगा भैया, हमारी जमीन है। खैर, ऐसा नहीं कि चाइना आगे आ गया है, लेकिन एक चीज पक्की है कि पीछे हट नहीं रहा है वो, है ना। तो यहां ये भाई, इसी वजह से ही तो सब कुछ प्रॉब्लम हुई, जो दौलत बेग ओल्डी रोड बना रहा था भारत, इसी वजह से ही तो सारी की सारी दिक्कत हुई थी, और गलवान क्लैशेस हुए थे, फिर यहां पे हेवी डिप्लॉयमेंट, फिर फिंगर पॉइंट्स का इशू आया, ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन हाँ, ये सारी दिक्कत है लद्दाख में स्पेशली, फिर गलवान वैली, पंगोंगसो, कैलाश रेंज, गोगरा हॉट स्प्रिंग, सितंबर 22 तक यहां से डिसएंगेजमेंट हो गया था, ठीक है, कॉन्फ्रंटेशन हमको देखने को मिला था। लेकिन भारत इस समय सिर्फ 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जा सकती है, पहले हम 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जा सकते थे, ठीक है। तो भारत वही कह रहा है कि आप स्टेटस को मेंटेन करिए, जहां पे है आप वहां पे जाइए। तो बफर जोन जो है वो भी खाली टेम्पररी अरेंजमेंट है, चाइना जो है वो अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहा है, और वही है, लॉन्ग वेट कर रहा है वो कि भारत क्या करता है, वेट एंड वॉच, ठीक है। वो फालतू डिमांड कर रहा है कि आप पीछे, हम क्यों पीछे हटे भाई, ठीक है ना, एक इंच भी हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो इतना समझिए कि इस समय मिलिट्री स्टेलमेंट है और डेडलॉक देखने को मिला है। अब इसकी कैसे कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार डिसएंगेजमेंट, भाई देखिए, एक पहला रीजन यही डिप्लोमेसी और डायलॉग, आप बात करिए, जब तक आप बात तो यहां पे हो ही रही है, बहुत समय से हो रही है। दूसरा, आपका मिलिट्री ऑप्शन बचता है, मिलिट्री ऑप्शन भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे एक तो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, युद्ध की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसमें दोनों का ही लॉस होगा, चाइना भी पिटेगा और हमारा भी लॉस होगा अच्छा खासा।
तो ये हमको नहीं, तो अब वही बात है कि बड़ी टिपिकल से सिचुएशन है कि क्या करें। ठीक है, हाई लेवल ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस दोनों तरफ से है, ये भारत की तरफ से भी भारत पूरी तरीके से प्रिपेयर है और चाइना भी पूरी तरीके से प्रिपेयर है। देखेंगे बाकी जो होगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो मैंने लेक्चर बताया था पूरा मैंने वहां पर इतिहास बताया कि आखिरकार भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है वो कितना खतरनाक है। ठीक है, और पूरा इतिहास उसको आप देखेंगे तो और एक अच्छी आपको बड़ी पिक्चर मिलेगी। थैंक यू सो मच।